शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान ने यमुना किनारे जाकर वेणुनाद किया, बांसुरी बजाई, और यही है वो परीक्षा की घड़ी जो कन्हैया ने कहा था परीक्षा लूंगा। और ये बांसुरी की तान जैसे ही गोपियों के कानों तक पहुंची तो जो जिस काम में लगी थी वो काम छोड़कर दौड़ लगा दी। ग्वालों ने रोका, कहां जाओ, कहां जा रही हो? बोले सुन रहे हो ना कि हमें बुला रही है, जाना पड़ेगा। तो किसी ने तो अनुमति दे दी कि कन्हैया की बांसुरी, किसी ने डांटा, किसी ने धमकाया, किसी ने डराया, चले मत जाना। तो गोपियों ने कहा कि भले शरीर यहाँ रह जाए, प्राण निकल कर जाए, पर आज हमें जाना है, नहीं रुकेंगे। क्यों? ये जो बज रही है ना, बजी सो बजी रस खान बजी सुनी के अब गोकुल गाओ न जिए, न जिए कदाचित कान परे यह बेरन बांसुरी ऐसी बजिए। ये जो बज रही है ना बेरन, हमें बुला दी, जाना पड़ेगा। तो कईयों ने यहां तक कह दिया कि जाओ तो लौट के मत आना, जाओ लौट के मत आना। तो गोपियों का वो भी स्वीकार है, सब छोड़ने को तैयार है, पर कन्हैया को छोड़। घर तजो बन तजो नगर, नगर तजो बंसी बट बट तजो काहु पे नवर जी हो, देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो, आज रास काज सब ऐसो साज सजियो, कहैया सुनैया तजो बाप और मैया तजो, भैया तजो दैया तजो, पर कन्हैया को नहीं तजो। और यही है भक्ति। हमारी भी ऐसी स्थिति होना चाहिए कि हमारा जो नियम है माला का, पूजन का, पाठ का, कोई कितने ही विघ्न डाले, कितने काम आ जाए, कितने दुख मुसीबत आ जाए, हम भगवान को ना छोड़े। ये भाव ही गोपी भाव है। हर परिस्थिति में गोपियों को डांटा, रोका, टोका, और जब नहीं माने तो गोपियों ने एक स्वर में कह दिया, जितना चाहो कोशिश कर लो, पर और आपसे भी प्रार्थना है, अब अपने मन को ऐसा बना के ले चलना कि कितने बिघन डाले, पर गोपी का भाव, और वो भाव है महारास, रोका नहीं रुके, यही है भक्ति, यही है गोपी भाव, और यही भाव हमारा। 6 महीने तक महाराज चला, 6 माह अनवरत, पर जो थे रास में उनके लिए 6 महीने थे, जो नहीं आए ना उनके लिए उन्हें कुछ लगा ही नहीं क्या हुआ। और इस महारास में भी अनेक अनेक लीलाएं हैं कि गोपियों को अभिमान आ गया, कन्हैया हमारे साथ है, तो गायब हो गए, फिर ढूंढती रोती फिरी, फिर मिल गए। ऐसा महाराज अमृत वर्षा जिस दिन हुई है, देवता भी भेष बदल बदल के आ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। सुना होगा ना आपने, एक दिन वो भोले भंडारी, जादू आप जाके बोलोगे भजन ही भजन गा है। कल तो पावन महारास जिसमें अमृत वर्षा हुई, और जब रास समाप्त तो हुआ तो कन्हैया ने गोपियों से कहा अपने घर जाओ। अब गोपियां कहे कन्हैया 6 महीना हो गए रे, अब जाए तो वे रखे है? तो भगवान ने कहा जाओ। तो गोपियां गई तो और स्वागत किया उनका, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। क्यों? गोपियां भगवान के लिए निकली, उधर भगवान ने गोपी बन के काम संभाल लिया, पता भी नहीं लगा। और ये बात हमें सीख देती है, यदि हमें भगवान से जुड़ना है तो चक्कर में मत रहना काम के। आप भगवान के लिए निकलोगे, भगवान आपके लिए निकल पड़ेगा। कितना निकलोगे आप, कितना? भगवान कह रहे तू बढ़ तो, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम तो बढ़ा दो, बेनी बढ़ा है, अब एक दूसरे की रास्ता देख रहे हैं, तो भगवान को क्या पड़े, हमें बढ़ना पड़ेगा। कल कथा सुनेंगे आप रुक्मणी की।
रुक्मणी ने पत्र लिखा, आके ले जाओ। गुरुजी ने लाके भी दिया, तो भगवान ने कहा इसी की तो प्रतीक्षा थी, इसी की। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम रुक्मणी मुझसे करती है उतना प्रेम मैं रुक्मणी से करता हूं। अब कहां से? वो पंडित जी ने पूछा कि आपसे प्रेम रुक्मणी करती है क्योंकि नारद जी जा जाके बताते थे आपके गुण, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी गाथा, आपकी कथा बताते थे, तो रुक्मणी को प्रेम हो गया, आपको कहां से हो गया? तो भगवान ने कहा वही नारद जी, हाँ, उधर जाके मेरी सुनाते थे और इधर आके रुक्मणी की मुझे सुनाते थे। हाँ, गुरु तो बीच में है पर बढ़ना तो अपने को पड़ेगा। गुरु रास्ता बताएगा पर चलना किसको पड़ेगा? हमें लगे ही नहीं महाराज हो गया। तो जो नियम है ना, भजन का, पूजन का, पाठ का, माला का, भगवान के लिए बढ़ोगे चिंता मत करना, यदि उसके भरोसे है तो वो आपका कोई काम बिगड़ने नहीं देगा महाराज।